हेलो गाइस, टेक टेल्स चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, आपके एंड्रॉयड फ़ोन में गूगल क्रोम ब्राउज़र में आप जो है कोई एक पर्टिकुलर वेबसाइट ओपन कर रहे हैं तो उस समय आपको जो इस तरह का एरर मैसेज मिल रहा है 4034 आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। जब भी एक पर्टिकुलर वेबसाइट ओपन कर रहा हूँ तो उस समय ही मुझे इस तरह का एरर मैसेज मिल रहा है। दूसरे वेबसाइट अगर मैं ओपन कर रहा हूँ तो वो जो है अच्छे से सही से ओपन हो रहे हैं, बट ये एक ही वेबसाइट जो है ओपन करने समय मुझे इस तरह का एरर मैसेज मिल रहा है। इसका मतलब यह है दोस्तों, ये जो इशू है 99% ये वेबसाइट की तरफ से है। ये वेबसाइट का सर्वर जो है डाउन रहने की वजह से या फिर ये वेबसाइट का यूआरएल आप जो है रॉन्ग इंटर करने की वजह से आप इस तरह का प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं, ठीक है। या नहीं फिर आप जो है दूसरे मेथड्स भी ट्राई करके चेक कर सकते हैं, इससे भी आपका जो प्रॉब्लम है हो सकता है सॉल्व हो जाएगा। तो अब आपको जो है क्या करना है, आपके गूगल क्रोम ब्राउज़र को जो है क्लोज करके उसको फिर से ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद थ्री डॉट्स पे टैप कीजिए, यहाँ से सेटिंग्स को ओपन कीजिए, ठीक है। सेटिंग्स में जो है इसके जो हिस्ट्री कुकीज़ वगैरह रहते हैं वो आपको जो है क्लियर कर लेना है। तो प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में आपको जाना है, क्लियर ब्राउजिंग डेटा में जाना है, ये सारे बॉक्सेस को आपको चेक करना है, ठीक है। उसके बाद जो है क्लियर पे क्लिक कीजिए। और एक चीज़ आपको यहाँ पे चेक करना है, ये जो टाइम रेंज रहता है आपको जो है ऑल टाइम यहाँ से सेलेक्ट करना है। उसके बाद क्लियर डेटा पे टाइप कीजिए, ठीक है। बैक बटन प्रेस कीजिए और यहाँ पर आपको प्री लोड पेजेस का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ से आपको जो है स्टैंडर्ड प्री लोडिंग ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद आप अपने जो वेबसाइट है ओपन करके देखिए, अब आपका जो प्रॉब्लम है हो सकता है अब सॉल्व हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारी वेबसाइट अभी जो है सही से वर्क कर रही है। अगर अभी भी आप सेम ही प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो आप जो है गूगल प्ले स्टोर में जाइए, आप अपने जो है गूगल क्रोम ब्राउज़र को यहाँ पर सर्च कीजिए, अगर उसका अपडेट अवेलेबल है तो सिंपली उसको जो है अपडेट कीजिए, ठीक है। अपडेट करने के बाद आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अपडेट से भी अगर आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है, अब आपको जो है आपके गूगल क्रोम ब्राउज़र को रीसेट करना पड़ेगा। इसको रीसेट करने के लिए आप अपने फ़ोन सेटिंग्स में जाइए, ऐप्स एंड नोटिफिकेशन या फिर एप्लीकेशन मैनेजर में जाइए, यहाँ से आपको जो है गूगल क्रोम ब्राउज़र को फाइंड आउट करके उसको ओपन कर लेना है। इसका स्टोरेज में जाना है आपको और यहाँ पर आपको जो है इसके कैचेस और इसका स्टोरेज दोनों आपको क्लियर करना है। अगर आप अपने ऐप का स्टोरेज क्लियर कराएं तो साथ ही साथ आपका जो ब्राउज़र है वो भी रीसेट हो जाएगा। तो स्टोरेज क्लियर करने से आपकी जो सेटिंग्स रहती है और आपने जो ये पासवर्ड्स एड्रेस वगैरह इस तरह के कोई भी चीज़ें सेव करके रखा है तो वो सारे रीसेट हो जाएंगे। ये एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद एक मरतबा आपका जो फ़ोन है उसको रीस्टार्ट करना है। रीस्टार्ट करने के बाद अब आपका जो प्रॉब्लम है 100% सॉल्व हो जाएगा। तो यह कुछ इजी और सिंपल सोल्यूशन उसको फिक्स करने के लिए। वीडियो पसंद आ गई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइए। कमेंट सेक्शन में बताइए आपके पास कौन सा वाला मेथड वर्क किया है। थैंक यू वेरी मच।